नमस्कार दोस्तों, ओ माय गॉड का एक पहला फ्रेश एपिसोड में आप सभी को स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ओ माय गॉड का एपिसोड है, जहाँ पे मैं आज कुछ अमेजिंग ट्रिक के बारे में आज आपको बताऊंगा। ए सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, पहला वाला एपिसोड में आज लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर नीचे कॉमेंट कीजिएगा ओ माई गॉड का ऐसा नया नया ट्रिक्स कमाल का, जो कि कंप्यूटर का ट्रिक्स है, मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आज ओ माई गॉड में जो पहला वाला ट्रिक मैंने लेके आया है वो है कि आप कैसे आपके कीबोर्ड को माउस की तरह यूज करेंगे, नंबर्स ऑफ बटन्स को। मतलब हम लोग जानते हैं कि लैपटॉप में कीबोर्ड में माउस दिया रहता है, मगर कंप्यूटर डेस्कटॉप जो कि जो लोग यूज करते हैं उन लोगों के पास माउस रहता है। आपका अगर माउस खराब हो जाता है, या अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास माउस नहीं है मगर फिर भी मैं अपने कंप्यूटर को माउस की तरह यूज कर रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं, नंबर्स ऑफ बटन्स को यूज करके आप माउस का मजा ले पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं नील आप सभी को स्वागत करता हूँ टेक्निकल नील का नया ओ माय गॉड एपिसोड में। आज का वीडियो हम लोग लाइव देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन में प्रैक्टिकल, तो जाकर चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली वीडियो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं, वहां पे बहुत सारे बात करेंगे। जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे जरूर से जरूर एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, ओ माय गॉड कैसे एपिसोड। अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर से जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन में जाके वीडियो देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग क्यों माउस को छोड़ के जो हम लोग का डेस्कटॉप का कीबोर्ड है वह का माउस हम क्यों यूज करेंगे। सबसे तो पहले यहाँ पे मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज से हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जब से हम लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोगों के सामने आया है तब से हम लोग इस कीबोर्ड से माउस को यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ क्यों, कैसे करके हम लोग यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। सबसे तो पहले यहाँ पे जो एक फीचर्स है जो कि हम लोगों के साथ इनबिल्ड आता है, हम लोगों को नहीं पता रहता है कि हम लोग कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। आज से बहुत साल पहले जब माउस नहीं था तब के बाद में अभी यहाँ पे करता हूँ कि दोस्तों तब जब लोग यूज करते थे कंप्यूटर वहाँ पे तो माउस नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, अपने कर्सर को मूव कराने के लिए अपने जो कीबोर्ड का माउस है उसे यूज करते थे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियो को आके भराने से पहले दो चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो नहीं करते तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे दोस्तों आपको फॉलो लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कब कब मैं लाइव आने वाला हूँ, कब मेरा नया नया वीडियो आएगा, वहाँ पे मैं अपना अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो को आगे लेके जाता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो आप लोगों को करना होगा, आपका जो कीबोर्ड है कीबोर्ड में आपको जो तीन स्विच दबाना है, दबाने के बाद ही आपका जो फीचर है वो ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं कंप्यूटर में दिखा देता हूँ अपने आपके सामने, आप देख सकते हैं इन तीनों की को आपको एक साथ दबाना है। आपके जो लेफ्ट साइड का जो आपका कीबोर्ड का लेफ्ट साइड का ऑल्ट शिफ्ट और उसके साथ जो आपका नाम लॉक है उसको आपको दबाना है। आप दोस्तों देख सकते हैं नाम लॉक को दबाने के बाद, इन तीनों की को एक साथ के दबाने के बाद एक आवाज आया है जो कि आप शायद ही सुन पाए हैं, मुझे लगता है कि आप जरूर सुन पाए हैं, तो ऐसे ही आपको आवाज होगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस की, इसका मतलब है कि आप क्या इसको ओपन करना चाहते हैं, मतलब इस माउस की को ऑन करना चाहते हैं। आप इसको ओपन ही करना चाहते हो तो आप सिंपली इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एकदम राइट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे एक आइकन यहाँ पे आ गया है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, ओपन होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबसे पहले टर्न ऑन माउस की, इसका मतलब है जब भी आप इसको इस फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के साथ ही साथ ये जो टिक है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फीचर है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अभी जो सेकंड वाला में आता है कि टर्न ऑन माउस की विद लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस नेम लॉक, इसका मतलब है कि आप जब इन तीनों की को एक साथ में दबाने के बाद इसको ओपन की है, अगर आप इस टिक को ऑफ कर देते हैं, मतलब टिक को हटा देते हैं, तो आपका जो फीचर्स ऑन हुआ है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला स्टेप में क्या आता है, यहाँ पे जो आपका माउस का जो कर्सर स्पीड है उसको आप लिमिट में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो लिमिट है हाई लो जो कि आपको दिया गया है, हाई और बहुत हाई मतलब फास्ट, आप आपके मुताबिक आप जैसा यूज करना चाहते हैं आपके मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको आप इसको इजिली यूज कर पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं उसका एकदम लास्ट में जो हम लोग को दिया गया है, यूज माउस की व्हेन नेम लॉक इज ऑन और ऑफ, इसका मतलब क्या है। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, अगर आप नहीं समझ के अगर कोई भी स्टेप गलतियां करते हो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यूज माउस की व्हेन नेम लॉक इज ऑन और ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों है अगर
यहाँ पे आप ऑन रखते हैं, मतलब जैसे कि ऑन अभी सेट हुआ आया है जो कि आपका बाय डिफॉल्ट आता है, अगर आप इसको ऐसे रख के छोड़ देते तो आपको प्रॉब्लम होगा। जब आपका नेम लॉक ऑन रहता है तो आप क्या करते हैं, अभी जब कोई भी जगह पे आप टाइप करते हैं, जब भी आप नोटपैड या कहीं पे भी टाइप करते हैं तो आप नेम लॉक ऑन करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, आप जब 7 या 8 दबाते हैं उसके साथ ही साथ आपका जो कीबोर्ड का नंबर है वो एकदम ठीक ठाक आता है। मगर अगर ये फीचर्स ऑन रहता है तो क्या होगा, आप जब नेम लॉक को दबाएंगे आपका कीबोर्ड में कोई भी की काम नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट आता है। इसको आपको सेटिंग करना है, अगर आप ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो कीबोर्ड है वहां पे जब आप नेम लॉक को ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फीचर्स है ऑन हो जाएगा, और जब नेम लॉक को आप ऑन करेंगे, ऑन करने के साथ ही साथ जो आपका नॉर्मली कीबोर्ड था, जैसे कि आप की स्ट्रोक करते थे 7 8 कोई भी स्ट्रोक करते थे, जो भी की दबाते थे जो आता था वो एकदम नॉर्मली आएगा, तो इसको जरूर से जरूर ऑफ रखिएगा। ऑफ रखने के बाद आपको बस कुछ नहीं अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको बस ओके करके इसको क्लोज कर देना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों का नेम लॉक अगर ऑन रहता है तो काम नहीं करेगा, तो नेम लॉक को हमको सबसे पहले ऑफ करना है, तो मैंने फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ, तो मैंने ऑफ कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपका जो कर्सर है अगर आपको मूव करना है तो मूव करने के साथ ही साथ आपको क्या क्या देखना होगा, कौन से कीओ से काम होगा, मैं पहले आपको विंडो में दिखा देता हूं, आप इसको देख लीजिए स्क्रीन को। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो 9 कीओ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 कीओ के साथ में आपका जो माउस कर्सर है वो मूव होगा। जैसे कि कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, सपोज आप मान लीजिए कि आपका जो कर्सर है आप चाहते हैं कि ऊपर में ले जाना, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपके कीबोर्ड का जो 8 का जो कर्सर है वो आप देख सकते हैं एकदम इजीली ऊपर में जा रहा है। अभी अगर आप चाहते हैं कि कर्सर को मैं नीचे ले आना चाहता हूं तो आप बस 2 को दबाएंगे, 2 को दबाने के साथ ही साथ आपका जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं राइट में ले जाना चाहता हूँ अपना कर्सर को, तो आप 6 को दबाएंगे तो राइट में चला जाएगा। अगर आप वैसे ही चाहते हैं कि लेफ्ट में ले आना चाहते हो तो आप 4 को दबाएंगे तो बहुत ही इजीली जो कि है लेफ्ट में आएगा। अभी हम लोगों ने यूज किया 8 2 6 4, अभी हम लोगों के पास जो रह गया है 1 3 7 9, इन चीजों का क्या काम है मैं अभी बताता हूँ कि अगर 7 को दबाते हैं तो लाइफ साइड का जो ऊपर का कॉर्नर है वहां पे जो 7 के दबाएंगे तो कर्सर जाएगा। अगर आप चाहते कि मैं नीचे वाला राइट साइड का कॉर्नर के अपना जो माउस का पॉइंट है उसको ले आना चाहते हो तो आप 3 को दबाएंगे तो नीचे वाला राइट साइड का जो कॉर्नर है वहां पे आ जाएगा। अगर आप चाहते कि लेफ्ट साइड का कॉर्नर में लेना चाहता हूँ तो 1 को दबाएंगे, वैसे अगर आप चाहते कि राइट साइड का ऊपर के कॉर्नर में मैं लेना चाहूंगा तो 9 को दबा देंगे तो इजीली जो कि है चला जाएगा। यहाँ पे तो हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि हम लोगों के सामने है, अभी हम लोगों का कीबोर्ड का ऊपर की तरफ में आप 3 जो बटन से दिया गया है नाम लॉक के बगल में 3 बटन, उन चीजों का उन जो बटन से उन बटन का क्या काम है अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो कि सबसे पहला वाला बटन है ऑब्लिक का बटन, उसके बाद जो कि है स्टार का बटन, और उसके बाद में है जो कि माइनस का बटन, इन तीनों का क्या काम है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं पॉपअप को ओपन करता हूँ, आपको अभी यहाँ पे शायद ही दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक मार्क दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम लोगों का जो माउस कर्सर है वो अभी राइट साइड में है। अगर हम चाहते कि इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो आप हम लोग बस सिंपली माइनस को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि है वो लेफ्ट साइड में आ गया है। फिर से अगर हम लोग ऑब्लिक को दबाएंगे तो ऑब्लिक को दबाने से फिर से राइट साइड में चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि माइनस और ऑब्लिक का क्या काम है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल फोल्डर किसी को भी अगर ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके ओपन करेंगे, अभी मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि मैं सिंपली जो मेरा कर्सर है उसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, तो उसके लिए मैं माइनस को दबाऊंगा, लेफ्ट में आ गया। अभी मैं 4 को दबा के मैं सीधा यहाँ पे चला आता हूँ। 4 को दबाने के बाद मैं फिर 8 को दबाऊंगा, ऊपर में जाना है मेरे को, तो ऊपर में जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 4 को दबाऊंगा, और यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट 1 करके जो फाइल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट फाइल को मैं ओपन करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मैं अभी इसको ओपन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे ओपन करूंगा, ठीक है, कोई भी फोल्डर को ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे। नंबर 5 जो कि नंबर 5 जो बटन है उसको हम दो बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फोल्डर है ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया ऑटोमेटिकली फोल्डर ओपन हो गया है, तो अभी हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। तो वैसे ही अगर आप आपके कीबोर्ड का जो लेफ्ट वाला
बटन है, उसका क्या काम है फोल्डर को ओपन करना। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो फोल्डर के ऊपर में, तो आपका क्या ओपन होता है, जो आपका प्रॉपर्टीज वाला जो बिन रहता है वो ओपन होता है। दोस्तों अभी जो मैं आपको चीज सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही फायदेमंद है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब माउस से हम लोग क्या करते हैं, तो कोई चीज को अगर ड्रैग ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करने के बाद पूरा ले जाते हैं और फोल्डर के ऊपर जाके ड्रॉप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करने के लिए वही चीज हम लोग करना होगा फिर से। एकदम सिंपली हम लोग माउस को ले जाते हैं ऊपर की तरफ। ये जो न्यू डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ड्रैग ड्रॉप करेंगे। का जो कीबोर्ड का जीरो बटन है उसको आपको क्लिक करना है, उसको क्लिक करने के बाद किया होगा ऑटोमेटिकली जो कि है ड्रैग हो गया है। अभी इसको बस आपको ड्रॉप करना है, तो बस सिंपली आप दो को दबाएंगे तो नीचे चला आएगा। नीचे आइए, आप कोई भी जो भी फोल्डर में जाके आप इसको छोड़ना चाहते हैं वहां पे जाके बस आप सिंपली इसको छोड़ देंगे। तो मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ के जाके मैंने बस छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फोल्डर है वो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली यहाँ पे आके ड्रैग और ड्रॉप हो गया। तो दिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा और नया एक ओ माई गॉड ट्रिक आपने सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसे ही अगर वीडियो आप चाहते हो तो मुझे नीचे जाके कॉमेंट कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और ये जो ऐसे नया मजेदार एक ट्रिक मैंने आपको सिखाया, ऐसे ही नया नया ट्रिक्स मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलता हूँ। गुड बाय।